हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी नहीं हूँ। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको 6 ऐसे आईलाइनर्स के बारे में बताऊंगी दैट यू ऑल मस्ट हैव, बिकॉज एज यू ऑल नो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है, लाइक दीपावली, भाई दूज और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। और सिर्फ फेस्टिवल्स ही नहीं, आगे क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी भी आने वाली है। और अगर आप इन सभी इवेंट्स पर वही ब्लैक बोरिंग आईलाइनर अप्लाई करते हो तो आपका लुक बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है, बिकॉज डू यू नो कि आईलाइनर आपके लुक को इंस्टेंटली चेंज कर देता है। और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ आईलाइनर के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको 7 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक बताऊंगी रिलेटेड टू योर मस्कारा, आईलाइनर एंड काजल, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं या फिर आपके मेकअप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टा में मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सारे मैसेजेस का रिप्लाई करूँगी। माई इंस्टा आईडी ट्रिकी नहीं हूँ और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले मूव ऑन टू वीडियो। सो दिस इज़ द फर्स्ट आईलाइनर जो कि पेस्टल पिंक कलर का है और ये मेरा मोस्ट फेवरेट आईलाइनर है। आप बोल सकते हैं इसके कलर की वजह से मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ब्रांड कफ्स एंड लेसेस का है। एक्चुअली कफ्स एंड लेसेस ही एक ऐसा ब्रांड है जो आपको डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट कलर के आईलाइनर्स प्रोवाइड करता है। सो अभी मैं आपको इसका एक क्लोज लुक भी दिखा दूँगी और इसका एप्लीकेशन भी दिखा दूँगी और मैं इसके प्राइस के बारे में भी आपको बता दूंगी और ये भी बता दूंगी आपको ये क्यों लेना चाहिए और या फिर आपको ये क्यों नहीं लेना चाहिए। तो आपको मैं इसका क्लोज लुक दिखाती हूँ अभी। सो गाइस, अभी मैं आपको इसका क्लोज लुक दिखा देती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, द लाइट वेट बॉटल इज़ परफेक्ट टू कैरी इन योर हैंड बैग फॉर अ क्विक टस्ट व्हेन एवर यू वॉन्ट। सो एज़ यू कैन सी, आपको बॉटल के फ्रंट सेक्शन में ही ब्रांड का नेम कफ्स एंड लेसेस शो हो जाएगा। आपको ये बॉटल ब्रोकन लग रही होगी बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये मैट फिनिश आईलाइनर है, सो दैट माइट बी अ रीज़न। और बॉटल के कैप में आपको ये इनका डिटेल्स वगैरह दिख जाएगी। ओके, सो अभी हम इस लाइनर की डिटेल्स के बारे में बात कर लेंगे। सो दिस आईलाइनर हैज़ वाटर बेस्ड फॉर्मूला दैट ग्लाइड्स ऑन स्मूथली एंड गिव्स यू अ ग्लॉसी टेक्सचर। और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है एंड अ सिंगल स्ट्रोक इज ऑल इट टेक्स। इट इंश्योर्स यू मेक अ स्टेटमेंट विद मिनिमल यूज। सो इसे मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। See how beautiful the color is and a single stroke is all it takes. So that was it about this liner. लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपको ये highly recommend करूँगी क्योंकि आपकी सारे look के साथ आपको compliment करेगा। Like अगर आपका festive look है या फिर आपने कोई night party look रखा है, ये दोनों में ही आपको compliment करेगा। So yeah, this was it. सो द फर्स्ट हैक इज़ फॉर आईलाइनर। अगर लास्ट मोमेंट पर आपका आईलाइनर ख़त्म हो गया हो और आप इसे तुरंत ऑर्डर भी नहीं कर सकते हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक एंगलर ब्रश की ज़रूरत है और एक सेटिंग स्प्रे या फिर मेकअप फिक्सर की ज़रूरत है। अगर आपके पास मेकअप फिक्सर नहीं भी है तो आप पानी से भी काम चला सकते हो। और उसके साथ ही आपको एक आई शैडो पैलेट या फिर आईब्रो पैलेट की ज़रूरत होगी। और आप ये सिर्फ ब्लैक के साथ ही नहीं, ब्लैक आईलाइनर के साथ ही नहीं, बाकी आप डिफरेंट कलर के साथ भी ये हैक ट्राई कर सकते हो क्योंकि आई शैडो पैलेट में ये सारे कलर ही दिए जाते हैं। और इसे कैसे अप्लाई करना है मैं करके आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर मैं ये एंगलर ब्रश ले लूँगी और इसे सेटिंग स्प्रे या मेकअप फिक्सर से इस पर स्प्रे करूँगी। मेकअप फिक्सर से स्प्रे करने पर योर आईलाइनर विल लास्ट फॉर आवर्स और ये जल्दी रिमूव नहीं होगा। उसके बाद आई शैडो पैलेट से मैंने ये लिया है एंड एज यू कैन सी अ सिंगल स्ट्रोक इज़ ऑल इट टेक्स। और आपको ये पहला हैक कैसा लगा मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ द सेकेंड आई लाइनर जो कि जेल बेस्ड आई लाइनर है और जैसा कि आप देख पा रहे हो ये ब्लू कलर में है और ये लैक्मे ब्रांड का है। तो इसका भी मैं क्लोज लुक आपको दिखा देती हूँ और इसका एप्लीकेशन भी करके दिखा देती हूँ और उसकी डिटेल्स भी आपको बता देती हूँ, लाइक ये इसका प्राइस क्या है और क्यों आपको ये लेना चाहिए या फिर आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। तो इसका क्लोज लुक देख लेते हैं। सो अभी मैं आपको लैक्मे इंस्टा आईलाइनर का क्लोज लुक दिखा दूंगी। ये भी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट बॉटल है लेकिन ये फर्स्ट आईलाइनर जो कि कफ्स एंड लेसेस का आईलाइनर था उससे थोड़ी सी ज़्यादा वेट की है। एंड एज यू ऑल नो कि ये जेल बेस्ड लाइनर है लेकिन फिर भी ये स्मज प्रूफ है।
ओके, टू थिंग्स विच आई डिडंट लाइक अबाउट दिस लाइनर. फर्स्ट, इसका कलर, एक्चुअली इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बट ये अपनी प्रोफाइल में, अपनी साइड पे बहुत ही ज़्यादा डीप इंटेंस कलर दिख रहा था, जो कि एक्चुअल में उतना ज़्यादा डीप इंटेंस नहीं मुझे लगा. एंड सेकेंड, उसमें क्लियरली मैंसन था कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फॉर्मूला है, बट मैंने जब इसे अप्लाई करा तो अप्लाई करने के 5 या 6 घंटे बाद मुझे अपनी आँखें बहुत ही ज़्यादा भारी लगने लगी. सो दीज आर द टू थिंग्स विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस लाइनर. अदरवाइज एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड द लाइनर इज़ लिक्विड, सो इट टेक्स टाइम टू ड्राई. वंस द लाइनर हैज़ ड्राइड आउट, इट रिमेन्स ऑन फॉर द एंटायर डे विदाउट गेटिंग स्मच. ओके, द नेक्स्ट हैक इज़ फॉर मस्कारा. अगर लास्ट मोमेंट पर आपका मस्कारा ख़त्म हो गया हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ एक आई लाइनर चाहिए. आपको इस आई लाइनर से इसे कोट करना है एंड देन आपको इसे अप्लाई कर लेना है. और इसे कैसे अप्लाई करना है ये मैं करके अभी आपको दिखा देती हूँ. सो यहाँ पर ये मेरा मस्कारा है जो कि पूरा ड्राई हो चुका है. एज़ यू कैन सी, इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं बचा है. सो अभी मैं आपको वो हैक करके दिखा देती हूँ. सो यहाँ पर मैं ये ब्लैक लाइनर ले रही हूँ और इस ब्रश के टॉप पर इसे कोट करूँगी. आप सिंगल कोट भी कर सकते हो और चाहो तो आप इसे डबल कोट भी कर सकते हो. एंड देन आपको अपनी आइज़ पर इसे अप्लाई करना है जैसे आप नॉर्मली अप्लाई करते हो. इसे मैं आपको अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ जिससे कि आप डिफ्रेंस क्लियरली देख पाओ. सो ये था हमारा सेकेंड हैक, और वीडियो के आगे हम और भी ऐसे इंपॉर्टेंट हैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ द थर्ड वन विच इज़ बोल्ड आई लाइनर, एंड ये ब्रांड मेबलिन का है विच इज़ ब्लैक इन कलर. और इसकी डिटेल और इसका क्लोज लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और इसे आपको क्यों नहीं लेना चाहिए या फिर अगर आप लेना चाहते हो तो इसे क्यों लेना चाहिए. इन सबकी डिटेल और उसके प्राइस वगैरह भी मैं आपको आगे दिखा देती हूँ. सो द नेक्स्ट आई लाइनर इज़ दिस मेबलिन न्यूयॉर्क कोलोसल बोल्ड आई लाइनर, जो कि ब्लैक कलर में है. इसका आउटर लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था, लाइक ये येलो बॉटल मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी थी. और इसकी फिनिशिंग मैट है और इसके आउटर लुक की वजह से ही मैंने इसे परचेस किया था. बट आफ्टर अप्लाइंग इट ये मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, लाइक इसकी वन स्ट्रोक इनफ नहीं थी. इसे मुझे 3-4 बार अप्लाई करना पड़ा उसके क्लियर लुक के लिए. और यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ. अगर आपको अच्छा लगता है देन यू कैन बाय इट, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट. और इसे मैंने सिर्फ अभी तक एक बार ही अप्लाई करा है और ये मेरे पास मोर देन 6 मंथ से था, और इन 6 मंथ में मैंने इसे सिर्फ एक बार ही अप्लाई करा है. सो यहाँ पर मैं अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ. अभी तो ये बहुत ही सही एप्लीकेशन दे रहा है. आई थिंक ये बहुत टाइम से रखा था, इस वजह से इसका एप्लीकेशन सही हो गया है. सो इसे अगेन मैं अपनी आइज पर अप्लाई करूँगी और उसका जो भी रिज़ल्ट होगा उसका सही मैं रिव्यू आपको इंस्टा में फिर से दूंगी. तो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा में फॉलो नहीं किया है देन डू फॉलो मी ऑन इंस्टा. माई इंस्टा आई डी ट्रिकी नहीं हूँ, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ. सो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हो. ओके, आर नेक्स्ट हैक इज़ फॉर काजल. एक्चुअली अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं, लेकिन गर्मियों में देखा जाता है कि मोस्टली हमारा काजल पिघल जाता है या फिर उसकी टिप टूट जाती है, और ये ज़्यादातर पेंसिल काजल के साथ ही होता है. तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिंपली अपना काजल फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए रखना है, और 10 से 15 मिनट रखने के बाद जब आप उसे अप्लाई करोगे तो आप खुद फील करोगे, या फिर आप उसे शार्प करोगे तब आप खुद फील करोगे कि उसकी टिप नहीं टूट रही है और वो पिघल भी नहीं रहा है. सो दिस इज़ द फोर्थ आई लाइनर, जो कि ग्लिटर आई लाइनर है. और ये आई लाइनर आप सबके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपने कैसा भी लुक क्रिएट करा हो, लाइक अगर आपने नाइट पार्टी लुक क्रिएट करा है तो आप इसे सिंपली एज अ लाइनर अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने कोई फेस्टिव लुक रखा है, या फिर आप किसी की वेडिंग में जा रहे हो, आपने हैवी आई मेकअप करा हुआ है, उस समय आप इसे आई शैडो के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो. सो दिस वन इज़ रियली हाईली रिकमेंडेड. और इसका एप्लीकेशन और इसके बारे में सारी डिटेल मैं अभी आपको दिखा देती हूँ. तो ये है वो ग्लिटर आईलाइनर जो कि आप सबके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीपर्पस है. और इसका कलर, ये कलर एक्चुअल में इतना डीप इंटेंस लग नहीं रहा, एक्चुअल में ये और भी ज़्यादा सुंदर है. ये शायद लाइट की वजह से इतना क्लियर नहीं दिख रहा, इतना डीप नहीं दिख रहा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गोल्ड कलर है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है. अभी मैं इसे अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस लाइनर इज़ दैट इसका सिंगल स्ट्रोक ही इनफ है. एज़ यू कैन सी इट हेयर.
सो दिस इज़ द नेक्स्ट आई लाइनर जो कि अगेन कफ सनलेसेस ब्रांड का है और ये येलो कलर में है, लेकिन जब भी आप उनकी साइट पर जाओगे तो आपको ये येलो कलर मेंशन नहीं होगा, वहाँ पर इन्होंने इस कलर को बम्बल बी नेम दिया है। तो अगर आपको ये कलर सर्च करना है तो आप बम्बल बी नेम से सर्च करोगे, और बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है इसलिए मैंने इसे परचेज़ करा, और इसका क्लोज व्यू क्लोज लुक और इसका एप्लीकेशन मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ। सो अगेन ये लाइनर कफ्स एंड लेसेस का है जो कि मैं स्टार्टिंग में पिंक कलर का दिखा चुकी हूँ, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसके कलर का डिफरेंस है, वो पिंक कलर का था और ये येलो कलर का, बाकी दोनों ही लाइट वेट हैं, दोनों ही लॉन्ग लास्टिंग है, दोनों ही वाटर बेस्ड फॉर्मूला है और दोनों ही आपको ग्लॉसी टेक्स्चर देते हैं। इवन दोनों का आउटर लुक भी सेम है और दोनों की पैकेजिंग भी। सो अभी मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ओनली वन थिंग विच आई डिडंट लाइक अबाउट दिस लाइनर कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटी बॉटल में आता है, जो कि मुझे लगता है सिर्फ आप 15 से 20 बार ही इसे अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अगर आपको ये कलर पसंद आया हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। सो दिस इज़ द लास्ट आई लाइनर जो कि उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज के आई लाइनर को सर्च कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है, जो कि लैक्मे ब्रांड का है, और इसका एप्लीकेशन और इसका क्लोज लुक मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ, और इसे आपको क्यों लेना चाहिए या फिर आपको क्यों नहीं लेना चाहिए ये सब भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो अगर आप एक अफोर्डेबल आई लाइनर सर्च कर रहे हो तो ये लैक्मे आई लाइनर आपके लिए बेस्ट है, और बिकॉज ब्लैक बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला आई लाइनर है, तो अगर आप इस लाइनर को डेली भी यूज़ करते हो तो आराम से ये 2-3 महीने या फिर 4 महीने तक आराम से इसे आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये 9 ml की बॉटल है। एंड अगर आप किसकी डिटेल के बारे में जानना चाहते हो तो ये ब्लैक कलर का एज़ यू नो, और ये वाटर प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है और ईजी टू यूज़ है, लेकिन ये लिक्विड बेस है, लाइक आप इसे अप्लाई करोगे तो ये टाइम लेता है ड्राई होने पर, लेकिन एक बार ही ड्राई हो जाता है तो ये इजीली पानी से साफ नहीं होगा, और इसे अप्लाई करने के लाइक 5-6 आवर बाद आपको आंखें थोड़ी भारी लग सकती हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ही बेस्ट है। सो अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।